एडवांस न्यूज हर समय आपके साथ। मैं हूं ज्ञानेंद्र कुमार मौर्य। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप या टाइप करें www.kmasnews.com। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं खबरों की तरफ। जौनपुर सुरही थाने का उत्पीड़न जारी। जी हां, बता दें आपको, थाना सुरही के अंतर्गत ग्राम कोचारी के रहने वाले प्रकाश मौर्य, जो कि गरीब और लाचार व्यक्ति हैं, बता दें आपको, वह अपने खेत में सुबह 5 बजे काम कर रहे थे। अचानक उनके पड़ोसी 5-6 के जुट में आए और प्रकाश मौर्य को लाठी डंडे से मारना शुरू कर दिए। बता दें आपको, प्रकाश मौर्य का आरोप है कि मैंने थाने में तहरीर दी है, लेकिन जो अपराधी हैं वो सरेआम घूम रहे हैं। सुरही थाना उनको पकड़ने के बजाय उनके साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, सिर्फ एक अपराधी को पकड़ रखे हैं। प्रकाश मौर्य का ये भी कहना है कि जो पार्टी पैसे देती है सिर्फ उसी की सुनवाई करते हैं, हम गरीब जैसे लोगों की सुनवाई नहीं करते। प्रकाश मौर्य ने कहा कि पुलिस वालों पर से विश्वास और भरोसा बिल्कुल उठ गया है। आइए दिखाते हैं आपको यह रिपोर्ट। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? श्री प्रकाश मौर्य। प्रकाश मौर्य, कौन सा गांव है? कोचारी। थाना सुरेरी। क्या मामला हुआ आपको? मामला है, मारपीट हुआ? मारपीट हुई, मैं पाइप फैला रहा था, आकर जो है कहें कि क्यों गाली दिए उसको, हम कहा नहीं गाली दिए। सागर ने और उसके परिवार के सभी लोग इकट्ठे थे, 7-8 लोग, हमें मारने शुरू कर दिए उसी पर, जबकि उस व्यक्ति के नाम से आज 17 से चला आ रहा है NBW है, अभी कोई सुनवाई नहीं है। उसको जब पकड़ने के लिए कहा जाता है तो कहते हैं पागल है। आप लोग इसकी शिकायत पहले भी किए हैं? शिकायत कोर्ट में भी चल रही है, पहले भी किए हैं, पकड़ने पर नाम पर कहते हैं पागल है। मामले में पुलिस ने किसी को पकड़ा? एक आदमी को पकड़ा और 6-7 लोगों को उसे ही छोड़ दिया। क्यों? 112 नंबर वालों ने घर पर आपकी शिकायत के बाद जी, अगर उस समय पुलिस एक्टिव रही होती तो शायद यह घटना न हो। पुलिस एक्टिव क्या, अभी ही थाने पाकर वो लोग जा रहे हैं, लेकिन उसको नहीं पकड़ रहे। वारंटी को? वारंटी तो घर पर है, जो मारे पीटे हैं वो लोग आए थे अभी यहाँ थाने। मतलब आपका कहना है जिसके नाम से है वो लोग आ रहे हैं, उनको पकड़ नहीं रही पुलिस? FIR है, उसको पकड़ नहीं रही पुलिस। आपको कहाँ कहाँ चोट लगी है? हमें लगा है सर फूट गया है, मुंह मार दिए हैं फूट गया है, वहाँ से कनपटी से लेकर ये फूटा हुआ है, दोनों जांघ में दो दो लाठियाँ लगी है, फूटा भी है, नहीं फूटा भी है, पेट में भी मारे हैं। लोग आ रहे हैं, वो लोग अपराधी जो मारे हैं हमें ही थाने में आ रहे हैं, जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं और खाना पहुंचा रहे हैं एक आदमी को, और उनकी कोई सुनवाई नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। वो लोग एकदम नहीं धड़क। कितने बजे आ गए थे थाने पे? 8 बजे, और 10 बजे निकल रहा हूँ यहाँ से। कौन उन लोगों को चाय पिलाता है? यहीं से स्टाफ के लोग पिलाते हैं, और यही हुआ कि हमारा फावड़ा और 4 किलो जो है प्लास्टिक की पाइप लूज जो है ले उठा ले गए हैं, और नहीं दिलवाए रहे हैं, और फावड़ा उठा ले गए, साइकिल ले गए तमाम। अच्छा, साइकिल, फावड़ा और पाइप आपका ले गए, कौन ले गया है? वही लोग बरसाती, वही जो लोग मारे। अच्छा, कौन कौन है, उनका नाम बताइए जरा। बरसाती, अनुराग, दुलार, सागर, राजेश, दिनेश। अच्छा, आप क्या चाहते हैं इस मामले में? इस मामले में चाहते हैं उनकी गिरफ्तारी हो और उनको पुलिस पकड़े, कानूनी कार्रवाई करे। पुलिस कैसे पकड़े? पुलिस अच्छा, तो आप बता रहे हैं आ रहे हैं और जा रहे हैं, इसी थाने में बैठ के। तो अब मेरा जो है फरी मैं कर रहा हूँ, पुलिस भाई नहीं कर अच्छा, रही तो मैं थाना पुलिस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि पुलिस अनदेखी कर रही है।